नमस्ते दोस्तों, क्रिप्टो दोस्त के एक और एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में जो है हम फिर एक बार फेसबुक के लिब्रा प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में जो मैंने कल एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज आप उसे देख लीजिएगा। उसमें जो है लिब्रा क्रिप्टो करेंसी की हमने बेसिक्स के बारे में बात की है, जो कोर कंपोनेंट्स हैं, कैसे ये काम करेगा उसके बारे में जो हमने बात की है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या लिब्रा को इंडिया में लीगलाइज किया जाएगा, तो उस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो है लिब्रा क्या है उसके बारे में जान लें। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें। अगर आपने कहीं और वीडियोज देखे हैं या आपने अगर लिब्रा के बारे में पढ़ा है तो फिर कोई बात नहीं, आप डेफिनेटली इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लिब्रा के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले जाके जो है हमारे पुराने वीडियो को देखें, उसके बाद जो है इस वीडियो में आए आपको ज्यादा कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। बहरहाल, फेसबुक लिब्रा जो है बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। जाहिर सी बात है उसके बहुत सारे जो है एप्लीकेशन हो सकते हैं, यूज केसेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर सकता है यह प्रोजेक्ट। जाहिर सी बात है रेगुलेटर्स उसे बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। लिब्रा के लॉन्च होने के साथ साथ ही जो यूरोपियन रेगुलेटर्स, आई थिंक फ्रांस और जर्मनी के रेगुलेटर्स ने यह कहा कि हमें जो है क्लोजली एग्जामिन करना पड़ेगा। यूएस के एक सेनेटर ने तो यह तक कह दिया कि फेसबुक को फिलहाल जो है इस प्रोजेक्ट को हॉल्ट करना चाहिए। जाहिर सी बात है रेगुलेटर्स में काफी जो है चिंता है इस चीज को लेकर कि फेसबुक लिब्रा का इंपैक्ट क्या होगा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के ऊपर, जो कि एक बहुत स्ट्रांग लॉबी है। इंडिया जो है वो भी काफी नेगेटिव रहा है क्रिप्टो करेंसीज को लेके। इंडियन गवर्नमेंट जो है, ऑब्वियसली आपको पता ही है, आरबीआई का बैंकिंग बैन है, और इंडिया को जो भी बात हुई अभी तक क्रिप्टो करेंसी की इंडिया में वो नेगेटिव ही रही है। जाहिर सी बात है वो भी इस डेवलपमेंट को देख रहे होंगे कि फेसबुक जो है एक लिब्रा क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर चुका है और अगले साल जो है ऑफिशियल रिलीज होगा ये क्रिप्टो करेंसी, और उसके बारे में उनको डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे वो कि अगर फेसबुक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा है इसका इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इसी संबंध में जो वरुण देशपांडे जी का मुझे एक बहुत जबरदस्त थ्रेड मिला ट्विटर पर, जिसके बारे में आपसे बात करूंगा। वरुण देशपांडे जी जो है न्यूओ नेटवर्क नाम के एक प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व है, जो कंसेंसस लैब्स, जो इथेरियम का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, उसने जो है न्यूओ नेटवर्क को बैक किया है। तो वो काफी जो है उनका एक्सपर्टीज है इस फील्ड में, और उन्होंने जो एक बहुत जबरदस्त थ्रेड जो है बनाया है इस चीज को लेकर। तो आइए चलिए देखते हैं इस ट्विटर थ्रेड में लिखा क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लिब्रा क्या है। ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट है और उसको जो है उसको बैक किया गया है फियाट करेंसीज के द्वारा। तो रिजर्व्स हैं बैकएंड में, जैसे यूएस डॉलर टेथर कहता है कि हमारे पास यूएस डॉलर के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, वैसे लिब्रा एसोसिएशन के पास भी जो है बैकएंड में जो है रिजर्व्स होंगे, कई तरीके के फियाट करेंसीज के, यूएस डॉलर होगा और शायद कुछ रिजर्व्स करेंसीज के कॉम्बिनेशन होंगे उनके पास, और वो जो एक स्टेबल कॉइन है यानी कि उसकी वैल्यू जो है फ्लक्चुएट करेगी नहीं। उसे जो रखा जाएगा कैलिब्रा नाम के एक वॉलेट के अंदर। कैलिब्रा जो है एक सेंट्रलाइज वॉलेट है, पेटीएम की तरह आप उसे समझ लें। जैसे पेटीएम में जो है आप रुपी स्टोर कर सकते हैं, उसी तरह जो है कैलिब्रा में आप लिब्रा क्रिप्टो करेंसी को स्टोर कर पाएंगे। तो जैसे अगर इंडिया में वो लॉन्च होता भी है तो कैलिब्रा जो है एक प्रीपेड वॉलेट बनेगा जहां पर लिब्रा को रखा जाएगा और उसके थ्रू जो है आप स्पेंड कर सकते हैं या किसी और को भेज सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट सवाल, इंडिया में ये लॉन्च हो सकता है कि नहीं, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स बोले हैं और हम इसे अभी क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। अगर इंडिया में लिब्रा को लॉन्च होना है तो फिर जो है उसे बैकएंड में रिजर्व्स रखने पड़ेंगे इंडियन रुपी के, और उन्हें वो बराबर अच्छा बड़े अमाउंट में रखना पड़ेगा ताकि उसे जो है सर्कुलेट फ्रीली किया जा सके। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ इंडियन मेंबर्स जो है लिब्रा एसोसिएशन का हिस्सा बन जाए, पेटीएम हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या जो भी दूसरे पेमेंट वॉलेट्स हैं वो हो सकता है लिब्रा एसोसिएशन का जो है हिस्सा बन जाए, ताकि वो जो है रिजर्व्स जो है मेंटेन कर सके और लिब्रा जो है इजीली सर्कुलेट हो सके। यूपीआई से कैसे यह डिफरेंट है? अब यूपीआई को लेकर कई लोगों को जो है पता नहीं है यूपीआई कैसे काम करता है। आपने अगर यूज किया यूपीआई तो आप वाकिफ होंगे मैकेनिज्म से डेफिनेटली, कि आप जो है बहुत सीमलेसली जो है आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जो है आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लिब्रा भी कुछ इसी तरीके का है। जैसे यूपीआई में यह होता है कि बैंक्स और जो एनपीसीआई है वहां पर जो है आपको नेशनल पेमेंट्स काउंसिल जो है वहां पर जो है आपको एक ट्रस्ट प्लेस करना पड़ता है। लिब्रा में ऑब्वियसली ये ट्रस्ट के आपको किसी और को ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई बैंक या कोई बीच में कोई कंपनी इन्वॉल्व नहीं है। टेक कंपनी जो है डायरेक्टली इस चीज को इनेबल करेंगे, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली जो है आप कैलिब्रा वॉलेट के थ्रू एक दूसरे को आप जो है लिब्रा क्रिप्टो करेंसी जो है आप भेज पाएंगे। और इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज, जैसे यूपीआई जो है प्रोग्रामेबल मनी नहीं है, ब्लॉकचेन बेस्ड जो क्रिप्टो करेंसीज उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि प्रोग्राम कर सकते हैं आप किस स्पेसिफिक कंडीशन में जो है कि क्या इंप्लीमेंट होना चाहिए, कैसे क्रिप्टो करेंसी मूव करना चाहिए। आप जो है ऐसे कई तरीके के जो है आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एनी कंपनी कैन राइट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल एप्लीकेशन विद न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड मूव। तो लिब्रा में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो नया उन्होंने बनाया जिसका नाम है मूव। तो यहाँ पर जो है कई तरीके के जो है प्रोग्रामिंग हो सकती है, जैसे क्रेडिट को लेके, एसआईपीज को लेके, तो ऐसे बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं फिनटेक स्पेस में। तो यूपीआई से बहुत बढ़ के आगे की चीज़ है लिब्रा।
अब हमारा जो मेन मुद्दा यह है कि क्या लिब्रा लीगल हो सकता है इंडिया में। वरुण देशपांडे जी का यह मानना है कि लीगल हो सकता है। जाहिर सी बात है, लिब्रा के लीगलाइजेशन पर भी जो है वही जो मुद्दे होंगे जो गवर्नमेंट के पास, जो हमारे रेगुलर क्रिप्टो करेंसीज को लेकर भी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है, कैपिटल फ्लाइट यानी कि इंडिया से जो कैपिटल बाहर जाता है वो है, फिर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ताकि इन्वेस्टर्स जो है किसी स्कैम वगैरह में न फंसे। यही तीन जो है मेन मुद्दे हैं जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी लीगलाइजेशन को लेकर इशूज चल रहे हैं, और यही मुद्दे लिब्रा को लेकर भी होंगे। तो अब देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग में यह होगा कि जिसके पास भी लिब्रा है तो उनका जो है उनको केवाईसी करना जरूरी होगा, और जो भी जहां पर भी जो है INR जहां पर भी डालेंगे जिस भी वॉलेट में, जैसे मैंने आपको पहले बताया हो सकता है पेटीएम या किसी दूसरे वॉलेट के साथ इंटीग्रेशन हो, तो वो जो है सब RBI रेगुलेटेड है। तो जहां पर भी पैसा अंदर घुसेगा सिस्टम के अंदर, जहां पर आप लिब्रा खरीदेंगे, वो जो है RBI रेगुलेटेड एंटिटीज के साथ ही जाएंगे। तो सारे ट्रांजेक्शन जो है ट्रैक किए जाएंगे, जा सकते हैं, और उन्हें जो है KYC अकाउंट्स के साथ ही जो है कनेक्ट किया जाएगा। जाहिर सी बात है, जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, जहां आप उसे भेज रहे हैं, लिब्रा को आप एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं, ये सारे जो है उसे आप जो है उसे ट्रैक किया जा सकता है और एक ऑडिट भी किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, मनी लॉन्ड्रिंग को जो है बड़ी आसानी से KYC प्रोसेस के थ्रू जो है कंट्रोल किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है कैपिटल फ्लाइट करे के। कैपिटल फ्लाइट क्या है, यानी कि आप एक जगह से दूसरे कंट्री में जो है अगर आप पैसा पहुंचाते हैं, तो आप देखिए, आइडियली एनीवन शुड बी एबल टू सेंड लिब्रा ग्लोबली, बट इंडिया कैन क्रिएट गाइडलाइंस फॉर काउंसिल मेंबर्स टू रेस्ट्रिक्ट इंडियन यूजर्स फ्रॉम सेंडिंग लिब्रा टू ओनली इंडियन KYC यूजर्स एंड मे बी US। तो यहां पर जो है लिब्रा, ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी का एक बहुत बड़ी खासियत यह है दोस्तों कि आप बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पे, वो भले कहीं भी बैठा हो, आप वो US में कोई हो, कनाडा में कोई हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी हो, वहां पर भी जो है आप क्रिप्टो करेंसी को भेज सकते हैं। लेकिन आइडियल वर्ल्ड में जो है ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर आप एक सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी बना रहे हैं तो लिब्रा जो है एक सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है। जाहिर सी बात है, उन्हें कई तरीके के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिस भी ज्योग्राफी में, जिस भी ज्यूरिसडिक्शन में वो लॉन्च होता है वहां के पर्टिकुलर रूल्स जो है उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। तो अमेरिका में अगर वो लॉन्च कर रहे हैं अपने क्रिप्टो करेंसी को सबसे पहले, तो जाहिर सी बात है जो सैंक्शन कंट्रीज हैं जैसे वेनेजुएला हो गया, ईरान हो गया, उनके साथ जो वो डील नहीं कर सकते हैं, टेररिस्ट फाइनेंसिंग नहीं हो सकती है उसके द्वारा, फिर जो भी बैंड एंटिटीज यानी कि जो ड्रग लॉर्ड्स वगैरह हैं उनके साथ भी जो है वो डील नहीं कर सकते। सेंट्रलाइज क्रिप्टोकरेंसी का ये डिसएडवांटेज है, लेकिन उन्हें उसे रेगुलेट करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो बड़ी आसानी से रेगुलेट हो सकता है, जैसे कि जो पेमेंट काउंसिल के जो मेंबर्स होंगे या जो भी वॉलेट्स चला रहे होंगे लिब्रा के, वो बड़ी आसानी से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि लिब्रा को आप सिर्फ KYC जिनका हुआ उनको ही आप भेज सकते हैं, या कुछ यूजर्स जो US में है जिनका KYC हो चुका है उनको भेज सकते हैं। US इंडिया के जो रेमिट जो पेमेंट ट्रांसफर्स है वहां पर $80 बिलियन वर्थ ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं इस कॉरिडोर में US और इंडिया के बीच में। तो जाहिर सी बात है, इसका एक बहुत बड़ा चंक जो है लिब्रा के पास आ सकता है और ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। और तीसरी बात ऑब्वियसली इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा गोल रहा है। इनफैक्ट अभी जो लेटेस्ट ये न्यूज़ मैंने जो पब्लिश भी किया था, हमारे वीडियो एक मैंने बनाया भी था इसके ऊपर, उसमें यही था कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो है इंडिया की, उन्होंने ही कहा था कि क्रिप्टो करेंसी को जो है बैन किया जाए। तो ये जो है यहाँ पर ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक गवर्नमेंट के दिमाग में ये एक उनका जो है एक गलत जो है एक इमेज छपी हुई है कि क्रिप्टो करेंसी जो है इन्वेस्टर्स को रिस्क में डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लिब्रा जो है एक स्टेबल कॉइन है, उसे आप बेच के जो है आप प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमा सकते। वो एक स्टेबल कॉइन है जिसकी जो है वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं करेगी, ये सिर्फ आपको ई कॉमर्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उनके काम आता है। तो यहाँ पर वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का वो खतरा तो है ही नहीं लिब्रा के साथ। अब रिजर्व मैनेजमेंट कैसे जो है बैकेंड में जो रिजर्व्स रखे हैं उन्हें कैसे मैनेज किया जाए, तो इनका मानना यह वरुण जी का कि RBI जो फोर्स कर सकता है लिब्रा एसोसिएशन को कि इंडियन रुपी रिजर्व्स जो है उनके वो सिर्फ इंडियन ज्यूरिसडिक्शन में ही रखे जाए और इंडियन बैंक्स ही रखे जाए, वो जो है इस रिजर्व को जो है इंडिया के बाहर लेके नहीं जा सकते हैं। तो RBI जो है कुछ रूल्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि डेटा प्रोटेक्शन के साथ भी ऐसे ही रूल्स है, जहां पर इंडियन कस्टमर्स का डेटा जो है वो इंडिया में ही रखा जाए, उसी तरीके का कुछ जो है वो रूल ला सकते हैं। RBI जो है फोर्स कर सकते हैं लिब्रा एसोसिएशन को कि जो इंडियन रुपी है जो लिब्रा को बैक कर रहा है वो जो है इंडियन ज्यूरिसडिक्शन में रहे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने ये रिकमेंड की है कि इंडिया को जो है एक नया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है बनानी चाहिए जो क्रिप्टो एसेट्स NBFC बनानी चाहिए जो क्रिप्टो एसेट्स को मैनेज करे। तो इससे जो है कोई भी जो है पार्टिसिपेट कर सकता है और वो जो है ऐसे बहुत सारे कंपनीज बन सकते हैं जो लिब्रा के साथ जो है वो नए नए बिजनेस के साथ उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो लिब्रा काउंसिल मेंबर्स के साथ तक ही ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा। ये जो है कोई भी अगर ये NBFC बनाता है लिब्रा के साथ क्रिप्टो एसेट्स के साथ, तो फिर वो जो है इस इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकता है। उनका ये मानना है कि अगर ये सारे स्टेप्स फॉलो किए गए तो इंडिया में जो है लीगलाइज करने के चांसेस हैं। जाहिर सी बात है, इंडिया जो है फेसबुक का सबसे बड़ा मार्केट है और फेसबुक ये चाहेगा कि इंडिया में जो है लिब्रा को वो लॉन्च करे। तो जैसे UPI के साथ ऑलरेडी इंडिया देख चुका है कि फ्रीली जो अगर आप एक दूसरे को आप पेमेंट्स कर सकते हो तो उसका फायदा कितना ज्यादा होता है।
जाहिर सी बात है लिब्रा एक बहुत यूपीआई से भी एक अच्छा मॉडल है जिसमें पेमेंट ट्रांसफर हो सकता है, और अगर इंडियन रेगुलेटर्स इस चीज को समझे, इस चीज को देखे, और फेसबुक अगर उन्हें कन्विंस कर पाया, जिसके मैं आशा कर रहा हूं कि फेसबुक जो है कन्विंस कर पाए, क्योंकि आप जानते ही हैं मार्क जुकरबर्ग जी का और नरेंद्र मोदी जी का एक रैपो रहा है, पहले भी वो कई बार मिल चुके हैं दूसरे इनिशिएटिव्स के लिए, तो मुझे लगता है हो सकता है अगर नरेंद्र मोदी जी डायरेक्टली अगर मार्क जुकरबर्ग से कनेक्ट कर पाते हैं इस चीज में, तो मार्क जुकरबर्ग कन्विंस कर सकते हैं, और अगर नरेंद्र मोदी जी इस चीज को अप्रूव करते हैं तो मुझे लगता है इंडिया में भी जो है लिब्रा क्रिप्टोकरेंसी डेफिनेटली आ सकता है। और इसका ये एक मुझे लगता है एक इनडायरेक्ट फायदा ये होगा कि क्रिप्टोकरेंसी मार्केट को भी जो है रेगुलेटर ज्यादा पॉजिटिवली देखेंगे, अगर लिब्रा आता है इंडियन मार्केट में तो दूसरे क्रिप्टोकरेंसीज को भी रेगुलेटर्स और फेवरेबली देखेंगे। जबरदस्त ये थ्रेड रहा है, मैं वरुण देशपांडे जी को क्रेडिट करना चाहूंगा कि इतना जबरदस्त जो है उन्होंने एक जो है थ्रेड बनाया है इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए। मैं आपको भी ओपिनियन सुनना चाहूंगा, मुझे प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो के नीचे ही एक सब्सक्राइब बटन है, बस उसे आप टैप या क्लिक कर दें, बेल नोटिफिकेशन लगा के प्लीज हमारे सारे वीडियोज के लिए आप नोटिफाई हो जाए, ताकि आपको जल्द से जल्द जो हमारे वीडियोज मिल सके। प्लीज आके हमारे वेबसाइट को भी जरूर चेकआउट करें दोस्तों, हमारे वेबसाइट का जो एड्रेस है वो है cryptodost.io, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कई तरीके के आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे, आपको ICO ट्रैकर मिलेगा, प्राइस ट्रैकर मिलेगा, तो कई तरीके की यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाती है। साथ साथ ही जो आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल जो है वो है द क्रिप्टो दोस्त, और हमारे फेसबुक पेज जो है वो भी है द क्रिप्टो दोस्त। प्लीज आके हमें इन दो सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़िएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच।